हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2017 की फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट कब आएगी, क्योंकि दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में और 20 दिन बाकी है और स्टूडेंट का सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रह रहा है कि फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट कब आएगी या नॉर्मली कब आती है इग्नू की फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट। तो इसी बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप लोग को भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो। और अगर वीडियो पसंद है, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट क्या कब आती है, ठीक है। तो देखिए, ये है टेंटेटिव डेट शीट, जिसके बारे में आप लोग को पता ही है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को जरूर फॉलो कीजिए, ताकि वहां पे आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया रहता है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 5 नवंबर आप लोग को नजर आ रहा होगा, 5 नवंबर को दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि पहले टेंटेटिव डेट शीट और फाइनल डेट शीट में कोई डिफरेंस नहीं होता था ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 5 साल 6 साल से एक ही डेट शीट बना दिया गया था दिसंबर के लिए भी और जून के लिए भी, और हर साल वही चलता था, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता था और कोई उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता था, ठीक है। सिर्फ नॉर्मली यही होता था कि अगर हॉलीडे हुआ कुछ, ठीक है, या संडे पर गया तो उसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया जाता था, लेकिन नॉर्मली बाकी और सब सारा चीज चेंज होता, सारा चीज सेम होता था, सॉरी, ठीक है, सब कुछ सेम होता था। लेकिन जून 2017 के बाद से इग्नू को झटका लगा या क्या हुआ, उसके बाद से अभी ये चीज रिलीज नहीं हुआ है कि सब कुछ ही चेंज हो गया, ठीक है। सारा ये टेंटेटिव और फाइनल में ह्यूज डिफरेंसेस हो गया। जो टेंटेटिव डेट शीट देते थे वो कुछ अलग दे रहे, और फाइनल डेट शीट जो दे रहे थे वो बिल्कुल ही अलग देने लगे, ठीक है। बहुत सारा डिफरेंसेस हो गया। तो अब आप टेंटेटिव डेट शीट के ऊपर कंप्लीटली यकीन नहीं कर सकते जब तक फाइनल डेट शीट नहीं आती है तब। तो अब आता है बात कि फाइनल डेट शीट कब आएगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि नॉर्मली यही होता है कि ये जून में भी हुआ था, नॉर्मली यही होता है कि फाइनल जो डेट शीट होती है वो बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम, ठीक है, एग्जाम स्टार्ट तब रिलीज हो जाती है। यानी कि अगर जून सेशन के एग्जाम हो रहे हैं, फॉर जून एग्जाम सेशन, ठीक है, तो आपको जो फाइनल डेट शीट है वो 15 मई को मिल जाएगी, ठीक है, 15 मई तक रिलीज हो जाता है। और अगर फॉर दिसंबर, अगर दिसंबर सेशन की बात करें हम, यानी कि इस बार का जो है वो आप लोग को 15 नवंबर तक आप लोग का फाइनल डेट शीट है वो आ जाएगा, एज पर इग्नू का पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 15 नवंबर तक आप लोग का जो डेट शीट है, फाइनल डेट शीट, वो आ जाएगा। तो एक मरता आप लोग का फाइनल डेट शीट रिलीज हो गया, तो उसके बाद आप लोग को हॉल टिकट हॉल टिकट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हॉल टिकट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जो फाइनल डेट शीट में जो डेट रहता है, जो एग्जामिनेशन कोड रहता है, वही रहता है हॉल टिकट में भी, ठीक है। तो एक मतलब फाइनल डेट शीट आ गया, तो उसके बाद से फिर हॉल टिकट का चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आ रहा है कि हॉल टिकट कब रिलीज होगा, तो नॉर्मली एक इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि हॉल टिकट जो होता है वो पहले, इससे पहले जून 2017 से पहले इग्नू का रूल था कि बिफोर वन वीक ऑफ एग्जाम आपको रिलीज कर दिया जाता था, ठीक है, हॉल टिकट, ठीक है। उसमें एकदम कंफर्म था कि 1 वीक से पहले आपको, यानी कि जून सेशन का अगर एग्जाम रहेगा तो आपको नियर अबाउट 23 मई को मिल जाता था, ठीक है। और अगर दिसंबर का एग्जाम रहता था तो उसमें आप लोग को नियर अबाउट 23 नवंबर तक एकदम कंफर्म था कि उससे पहले ही रिलीज हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर जो हुआ है, तो प्रीवियस ईयर में जो जून का एग्जाम हुआ है, प्रीवियस टर्म एग्जामिनेशन में, तो उसमें क्या हुआ है कि जस्ट 3 डेज बिफोर, ठीक है, 3 दिन पहले, यानी कि 26 मई को इग्नू ने रिलीज किया है हॉल टिकट, ठीक है। तो ये इस बार जून 2017 के बाद से हो रहा है। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग का जो इस बार का हॉल टिकट है वो 23 नवंबर तक ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार ये गोफ अप नहीं होगा दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन का हॉल टिकट रिलीज करने में। लेकिन आप लोग टर्म एंड का हॉल टिकट के बारे में ज्यादा मत सोचिए, आप लोग सिर्फ फाइनल डेट शीट का इंतजार कीजिए। जैसे फाइनल डेट शीट आएगी मैं आप लोग को कंफर्म उसी वक्त बता दूंगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग जस्ट फाइनल डेट शीट का वेट कीजिए। फाइनल डेट शीट जैसे ही आएगी उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा, उसी में आप लोग अपना डेट चेक कर लीजिए कि कौन सा डेट में आपका एग्जाम पड़ रहा है। बस आपको उसके बाद से फिर अपना एग्जामिनेशन के बारे में ही सोचना है। हॉल टिकट आपको 5 दिन
या 3 दिन के अंदर आ जाएगा, मतलब जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला रहता है तो उसका 5 डेज पहले तक रिलीज हो जाएगा। तो यही था इन्फॉर्मेशन कि हॉल टिकट आप लोग का 5 डेज बाकी रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि पहले 7 दिन होता था। अब इग्नू थोड़ा सा बहुत इधर उधर कर रहा है तो 5 दिन तक आप इंतजार कर सकते हैं कि 5 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 दिन में आ जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल डेट शीट है वो डेट शीट आप लोग को 15 डेज पहले आ जाएगा, यानी कि 15 नवंबर तक आप लोग का डेट शीट रिलीज हो जाएगा फाइनल डेट शीट, यानी कि आज से 1 हफ्ता बाद आप लोग का आ जाएगा फाइनल डेट शीट। तो यही था इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बात पूछ रहे थे कि फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट कब आएगी, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूं, सारा बात बता दूं कि पहले क्या होता था अभी क्या होता है, तो उसी हिसाब से मैंने आप लोग को बताया। तो इसके रिलेटेड अगर हॉल टिकट और फाइनल डेट शीट के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी जरूरी न्यूज आए इग्नू की तरफ से, तो मैं आप लोग को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।